मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, इसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सपा से उपचुनाव में कौन प्रत्याशी होगा, चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म होने लगा है। नवनिर्वाचित अयोध्या से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद इस सीट पर विधायक हैं। अब उन्होंने इस सीट पर इस्तीफा दे दिया है और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होगा। समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है, वहीं माना जा रहा है कि अवधेश प्रसाद के बड़े बेटे अजीत प्रसाद सपा से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कई और नेता टिकट की रेस में बने हुए हैं, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार अवधेश प्रसाद के बड़े पुत्र माने जा रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने अयोध्या सीट पर चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी का कद पूरी तरीके से बढ़ा दिया है और पूरे देश की राजनीति में इस सीट के जीतने के बाद चर्चा अवधेश प्रसाद की खूब हो रही है। माना जा रहा है कि अवधेश प्रसाद के बेटे को जल्द ही मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अवधेश प्रसाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। वहीं अयोध्या सीट जीतने के बाद अब उनके बेटे को सपा चुनाव मैदान में उतार सकती है।